स्मरण रखना देवताओं, मेरे इस स्थान में आने के द्वार सदैव खुले हैं, किंतु यहाँ से प्रस्थान करने का मार्ग एक ऐसा संकटमय चाल है जिसे भेद कर यहाँ से निकलना असंभव है। यहाँ आना सरल है, किंतु जाना, और वो भी मेरी अनुमति के बिना, असंभव। आगंतुक जाता नहीं, चला जाता है, क्योंकि यहाँ दाहिनी ओर एक ऐसी ज्वाला है जो किसी को भी पल भर में भस्म कर देती है, और बाईं ओर एक ऐसी अग्नि है जो किसी को भी पिघलाकर राख कर देती है। यहां से बाहर निकलने का प्रयास करने पर यदि एक भी चूक हुई, प्राण लेवा संकट उत्पन्न होता है। यदि उस संकट को कोई भी पार कर जाए, फिर उससे भी नवीन संकट प्रकट होता है, और जो आकाश मार्ग से यहां उड़ने का प्रयास करते हैं, उनका भी यही परिणाम होता है। अग्नि की लपटें उठकर उन्हें भस्म कर देती हैं। इसीलिए यहां आना सरल है, किंतु यहां से सुरक्षित जाना असंभव। आप तो आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं मूषक जी। हाँ प्रभु, क्योंकि आज हम बिना युद्ध किए अपनी समस्या का हल ढूंढने जा रहे हैं। किंतु यदि हम युद्ध करने के लिए विवश हो गए तो? तो क्या प्रभु, आपको सुरक्षित रखना है तो मुझे पुनः युद्ध भूमि में प्रवेश करना होगा। यहाँ का प्रवेश द्वार तो खुला है और यहाँ कोई द्वारपाल भी नहीं, ये कैसी मूर्खता है इस असुर की? शत्रु को मूर्ख समझने वाला बहुत बड़ी मूर्खता करता है मूषक जी। आप मुझे मूर्ख पुकार रहे हैं प्रभु? कि खुला द्वार कोई मूर्खता नहीं, अन्य कोई दुष्ट बुद्धि ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। मुझे तो ये उस दुष्ट का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है मूषक जी। षड्यंत्र प्रभु, अर्थात संकट? हाँ मूषक जी, किंतु भयभीत मत होइए आप, क्योंकि भयभीत होना तो पराजय के द्वार खोलता है, और हम यहाँ पर पराजित होने नहीं आए हैं। चलिए अब भीतर चलना होगा। अब तुम्हारी रक्षा करने कोई भी आए, चाहे देवी आदि शक्ति या फिर उनकी अर्ध शक्ति, जो भी यहाँ आएगा प्रवेश करने के उपरांत लौट नहीं सकेगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मेरे पीछे कुछ हो रहा हो? कदाचित ये मेरा भ्रम ही होगा। बाहर निकलो अरुणासुर, मैं पार्वती नंदन श्री गणेश तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। आओ बाहर निकलो, युद्ध करो मुझसे। प्रभु ये क्या, क्या वास्तव में हम यहाँ युद्ध लड़ने ही आए हैं? प्रभु आपने तो कहा था यहाँ शक्ति नहीं युक्ति का प्रयोग करेंगे हम, फिर आप इस असुर को युद्ध की चुनौती क्यों दे रहे हैं प्रभु? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बस आप तो देखते जाइए। यदि है इतना सामर्थ्य तो युद्ध करो मुझसे, प्रदर्शन करो अपने सामर्थ्य का। बाहर आओ। ओ, तो देवी स्वयं नहीं आई यहाँ, उसने अपने पुत्र को भेजा है। कोई बात नहीं, शीघ्र तुम्हारे साथ वो भी मेरा बंदी बनेगा, तब तो देवी स्वयं आने में विवश हो जाएगी ना।
इतने ऊंचे स्वर में पुकारने का क्या लाभ? मुझसे युद्ध करोगे? इतना विश्वास है अपने सामर्थ्य पर, तो स्वयं ये भीतर क्यों नहीं आ जाते? तो फिर तनिक प्रतीक्षा करो असुर, पार्वती नंदन गणेश स्वयं आ रहा है। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशक, मैं भी तो देखूं कौन है ये गणेश जिसने मुझे चुनौती देने का साहस किया। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ओम गजानन, यदि तुम विशाल हो तो मैं अति विशाल हूँ। क्या सोचा था और क्या निकला? कहां मैंने महायोद्धा की कल्पना की थी और ये गजमुख बालक आ गया मेरे समक्ष। ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चूहा नहीं, मूषक। अर्थात मूषक जी का आगमन तो अभी शेष है। हाँ, वो तो मेरे वाहन है। प्रभु, मैं आ गया प्रभु। तुम्हारा तो आरंभ होते ही अंत हो जाता है। तुम्हारी माता को तनिक भी दया नहीं आई तुम्हारे ऊपर। तुम जैसे नन्हे बालक को मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। जीवित नहीं देखना चाहती क्या वो तुम्हें? किंतु आ ही गए हो तो आगे बढ़ो। मुझको युद्ध की चुनौती दी है ना तुमने? निकालो अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। अस्त्र? किंतु मैं तो कोई अस्त्र लेकर ही नहीं आया। तो फिर मुझसे युद्ध कैसे करोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही अस्त्र प्रदान करूँगा तुम्हें। अर्थात आप इतने शक्तिशाली, शक्ति संपन्न, विशालकाय होने के पश्चात भी मेरे समान एक नन्हे बालक से युद्ध करेंगे? क्या ऐसा युद्ध आप जैसे शक्तिशाली असुर को शोभा देता है भला? स्वयं युद्ध के लिए ललकारते भी हो और स्वयं पीछे हटने का उपाय भी सोचते हो। अरे नहीं नहीं असुर जी, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। किंतु युद्ध एक ही प्रकार का कहाँ होता है, उसके तो अनेक प्रकार होते हैं ना? जैसे रणयुद्ध जो सेनाओं के मध्य होता है, मल्ली युद्ध जो दो योद्धाओं के मध्य भुजाओं की शक्ति से होता है, गृह युद्ध जिसके अस्त्र राजनैतिक दाव पेच होते हैं, और फिर जीवन का युद्ध जो अनेकों संघर्षों से भरा होता है। ए तुच्छ बालक, मत करो अपने ज्ञान का बखान। ये बताओ मुझसे कौन सा युद्ध करना चाहते हो तुम? वाक युद्ध। युद्ध। प्रभु शक्ति से नहीं, बुद्धि से युद्ध करने आए हैं। हाँ, वाक युद्ध जो बुद्धि और शब्दों से किया जाता है। वाक युद्ध? ये कहो ना, बाल क्रीड़ा करने आए हो यहाँ? अभी आपने ही तो कहा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ, तो मैं बालकों की ही तो क्रीड़ा करूँगा। किंतु मुझ जैसे महायोद्धा को बाल क्रीड़ा शोभा नहीं देती। ये क्रीड़ा नहीं करूँगा मैं। क्या महासुर जी आपको ये भय है कि वाकी युद्ध में आप एक बालक से पराजित हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्प बुद्धि होने के साथ शब्दों के ज्ञान से भी वंचित है? मुझे अपनी कुशाग्र बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है बालक। तो फिर वाक युद्ध से पीछे क्यों हट रहे हैं आप? आइए करते हैं ना वाक क्रीड़ा। तुच्छ बालक, यदि पराजित होने में इतनी ही रुचि है तुम्हें तो आओ पूर्ण कर लो अपनी इच्छा। किंतु उसके पूर्व तुम्हें भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी मुझे ढूंढ कर। आपको ढूंढ कर? किंतु आप तो मेरे समक्ष खड़े हैं ना महान असुर जी।
सर्वप्रथम मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ और बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। नहीं बालक, मैं यहाँ हूँ। अब दो ही अवसर शेष हैं तुम्हारे पास, बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं गजमुख बालक। चलो अब तुम्हारा ये अंतिम अवसर है, बताओ कहाँ हूँ मैं। बहुत निपुण हैं आप छिपने में असुर जी। अच्छा तो कहो कहाँ हूँ मैं। आप तो ठीक मेरी दाईं ओर। बिल्कुल नहीं। अरे मेरा उत्तर तो पूर्ण होने दीजिए आप। मेरी ठीक दाहिनी ओर नहीं, अपितु मेरी बाईं ओर के मध्य में स्थित है। उस स्तंभ के निकट खड़े हैं आप। ये कैसे ज्ञात किया तुमने? आपका संपूर्ण ध्यान तो मुझ पर ही था ना, इसलिए मैं जहाँ देखता था आप वहाँ से हट जाते थे, किंतु मेरे मूषक जी का ध्यान आप पर था। देखिए ना, आपकी पूंछ अभी भी उनके मुख में है। चतुर गणेशा। कदाचित आप भूल गए महान असुर जी कि मूषक सूंघ कर किसी भी वस्तु को ढूंढ निकालने में बहुत निपुण होते हैं। मूषक की सहायता लेने का लाभ तो हुआ है तुम्हें, किंतु मैं अब तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूंगा, और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष। तो यहाँ बंदी है सभी देवता। मुझे ज्ञात नहीं गणेश जी यहाँ क्यों पधारे हैं, कहीं स्वयं को वो किसी संकट में न डालते। हाँ इंद्रदेव, इस असुर की मृत्यु का उपाय तो किसी को भी ज्ञात नहीं, इसीलिए सरल नहीं होगा इसे पराजित करना। मेरी राज्यसभा में मेरे अतिरिक्त किसी के लिए कोई आसन नहीं। आप चिंता मत कीजिए असुर जी, मैं अपना आसन अपने साथ लेकर चलता हूँ। कहाँ है इस तुच्छ बालक का आसन? मूषक जी। प्रभु। तुम्हारे साथ तो वाकयुद्ध बड़ा ही रोचक होगा, परंतु क्रीड़ा में आनंद तभी आएगा जब उसमें कुछ दांव पर लगा हो। किंतु यदि तुम्हारी पराजय हुई तो संपूर्ण जीवन मेरा वाहन बनकर तुम्हें रहना होगा, क्योंकि सुना है गज पर आरूढ़ होने पर तो बहुत ही आनंद आता है। उचित है, स्वीकार है मुझे, किंतु यदि आप पराजित हुए तो आपको भी बिना संकोच किए मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और वो भी मात्र सत्य। अरे अरे, आप तो पुनः संशय में चले गए। इतना विचलित मत होइए महान असुर जी, मैं आपसे अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। मुझे स्वीकार है। गणेश जी स्वयं को संकट में क्यों डाल रहे हैं? प्रतीत होता है कि वो किसी योजना के साथ ही यहाँ आए हैं। तो महान असुर जी, क्रीड़ा आरंभ करने के पूर्व हमें उसके नियम स्थापित करने होंगे। हम एक साथ एक दूसरे से तीन तीन प्रश्न पूछेंगे, जिनका उत्तर हमें मात्र तीन क्षणों में ही देना होगा, और जो उत्तर नहीं दे सकेगा वो पराजय स्वीकार करेगा। उचित है, किंतु मेरा भी एक नियम है, प्रश्न रोचक होने चाहिए। तो ये प्रश्न किस विषय पर होंगे, उसका चुनाव आप ही क्यों नहीं कर लेते असुर जी? क्रीड़ा तुम्हारी है तो तुम ही विचार करो, मैं क्यों व्यर्थ में अपनी बुद्धि को कष्ट दूं?
अब मुझे इसके समक्ष एक ऐसा विषय रखना होगा जिससे कि मैं युक्ति लगाकर इससे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकूं जो मुझे ज्ञात करना है। तो ठीक है, ज्ञान शास्त्र। अरे ज्ञान का नाम सुनते ही मुझे निद्रा का आभास होता है। फिर दर्शन शास्त्र। मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ, शेष सभी तुच्छ है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बल, ये कैसा विषय है जो मेरे मुख से निकल गया, वही न्याय है। तो ठीक है, फिर राजनीति। बल पूर्वक राज करना ही मेरी नीति है, जो मेरे सम्मुख खड़ा होता है उसे बल पूर्वक नष्ट करना ही मेरी राजनीति है। नहीं नहीं, इसमें भी कोई प्रश्न उत्तर का स्थान नहीं। प्रतीत होता है असुरों को तो एक ही शब्द भाता है, बल। हाँ, ये रुचिकर हो सकता है, क्योंकि वैसे भी शीघ्र ही सर्वस्त्र मेरे ही बल की चर्चा होगी। उचित है फिर असुर जी, हम वाक युद्ध की क्रीड़ा आरंभ करते हैं। अब मैं सर्वप्रथम आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा और आप बिना रुके उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे, और फिर आप 3 प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर मैं दूंगा, और हमारी ये क्रीड़ा इसी क्रम में आगे चलेगी जब तक कि कोई उत्तर देने में चूक नहीं करता। उचित है, उचित है, तो समय व्यर्थ मत करो और आरंभ करो अपनी क्रीड़ा। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? शासक के समक्ष शेष सभी तुच्छ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या होता है? बाहुबल, जिससे संसार को अपने समक्ष झुकाया जा सके। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण है उसे और क्या चाहिए? बल का प्रयोग कर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तभी वो अपने बल का उचित प्रयोग कर सकता है। आश्चर्य, इस असुर ने तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। एक असुर अपनी असुरी बुद्धि से ऐसे ही अनर्थकारी उत्तर दे सकता है। अब मैं पूछूंगा, किंतु प्रश्न वही होंगे जो तुमने पूछे। उत्तर देने के पूर्व विलंब मत करना गजमुख बालक। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? उद्धार। बल से किसी असहाय पीड़ित की सहायता और उद्धार ना किया जाए तो वो बल व्यर्थ हो जाता है महान असुर जी। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या है? बुद्धि बल, जिससे संसार को झुकाने के स्थान पर उसके प्रभाव से संसार की भलाई का उपाय किया जा सकता है। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण होता है उसे और क्या चाहिए? संतुष्टि, क्योंकि बलशाली होने पर भी असंतुष्ट रहने वालों का बल अंततः उन्हीं को क्षति पहुंचाता है। ये हैं इन प्रश्नों के उचित उत्तर। अब पुनः आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, किंतु सचेत रहिएगा। आपने उत्तर नहीं दिया अथवा अधिक समय लिया तो आप पराजित हो जाएंगे असुर जी। तुच्छ बालक, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए पूछो अपने प्रश्न। तो बताइए मुझे, जिनमें बल का अभाव है वो क्या है? अरे क्या है, व्यर्थ है वो, निरर्थक है उनका जीवन। जो बलहीन है तो वो अपना जीवन सार्थक करने हेतु स्वयं को कैसे बलशाली बना सकते हैं? वरदान की शक्ति से। तो बताइए आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? अब मैं समझा, ये वाक युद्ध प्रथम पूज्य गणेश जी की एक युक्ति है। इस दुष्ट को उसके मुख से उसके ही वरदान अर्थात उसके वध का रहस्य ज्ञात करना चाहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की बुद्धि। यदि यह दुष्ट उनके इस प्रश्न का उत्तर देता है तो स्वयं अपने ही मुख से अपने वध के रहस्य को उजागर करता है, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देता है
तो वह इस वाक युद्ध में पराजित होकर गणेश जी के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। दोनों ही अवस्था में गणेश जी का यहाँ आने का प्रयोजन सिद्ध होगा, क्योंकि गणेश जी ने ऐसी ही अवस्था निर्धारित चुकी है। गणेश जी की विलक्षण बुद्धि का सामना कहाँ कर पाएगा ये दुष्ट? तो बताइए, आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? गुप्त वरदान, ब्रह्मदेव से गुप्त वरदान प्राप्त किया है मैंने, जिसका भेद मेरे मुख से कभी उजागर नहीं हो सकता। और ब्रह्मदेव भी मेरे वचन से बंधे होने के कारण इसकी चर्चा किसी से नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु के भेद को छुपाए रखने में सफल होकर इस दुष्ट ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर। किंतु ये हुआ कैसे? बुद्धि का अभाव तो अहंकारी असुरों का स्वभाव होता है। तो फिर इस असुर में गणेश जी की युक्ति को असफल करने की बुद्धि कहां से उत्पन्न हो गई? क्या हुआ, स्तब्ध रह गए ना तुम तुच्छ गजमुख बालक? मेरे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी ना तुम्हें? रहस्य है, अवश्य कोई रहस्य है अन्य असुरों से इसके भिन्न होने के पीछे। अब अपनी माला का जाप संपन्न करके अनंत पीड़ा दूंगा तुम्हें और तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। एक कीट के समान मसल के रख दूंगा तुझे तुच्छ गजमुख। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस दुष्ट असुर से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होकर मुझे प्रभावित कर रही है, किंतु कैसे संभव है ये? धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब मैं समझा, इसकी सकारात्मक ऊर्जा का कारण है। अर्थात ये अवश्य किसी वैदिक मंत्र का जाप कर रहा है। ये तो गायत्री मंत्र है, विश्वास नहीं होता। ये दुष्ट असुर माँ गायत्री का उपासक है। ओम भूर्भुवस्वाम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वाम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसलिए अपने जाल में उलझा नहीं सका इसे, क्योंकि जो कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करता है बुद्धि ज्ञान और एकाग्रता से समृद्ध हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार से भ्रमित करना असंभव हो जाता है। व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी योजना तुच्छ गजमुख। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे जैसे तुच्छ लघुकाय बालक के बिछाए जाल में फंस जाऊंगा मैं? भूल की है तुमने, बहुत बड़ी भूल। मुझ पर अपनी युक्ति का प्रयोग करने का दुस्साहस किया। ये गणेश जी ने स्वयं को किस संकट में डाल दिया? इस दुष्ट असुर से तो युद्ध का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसके अंत का रहस्य अभी तक किसी को ज्ञात नहीं। कैसी विडंबना है ये, एक और उधर दुर्गमासुर तामसिक माता को विवश कर रहा है, इस पापी ने गायत्री माँ की उपासना से स्वयं को सुरक्षित किया हुआ है। मुझे ही कोई उपाय करना होगा जिससे ये दुष्ट गायत्री माँ की उपासना से अपना मुख मोड़ ले, अन्यथा इसके वरदान का रहस्य यदि ज्ञात भी हो गया तो भी इसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक विराट असुर को
संसार के सबसे छोटे तुच्छ गजमुख बालक ने मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मैं इस दुस्साहस का भयंकर दंड दूंगा तुम्हें। समझ गया। सर्वशक्तिशाली आप स्वयं को पुकारते अवश्य हैं सुरजी, किंतु आपको इसकी सत्यता पर संदेह है। क्या क्या कहा तुमने? संदेह? और मुझे अपने बल पर? असंभव। अरे नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं, सत्य है ये। आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं है और उसे मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। शांत शांत हो जाओ। तुम मुझे प्रमाण दोगे स्वयं के अविश्वास का? जो सत्य है उसे नकारने का क्या लाभ असुर जी? ये आपका स्वयं पर आपके विश्वास का ही तो परिणाम है, जिसके कारण आप माँ गायत्री की उपासना, उनका जाप करने पर विवश हैं। जाप नहीं, उपासना नहीं, मात्र अपनी माता का स्मरण कर उनकी स्मृति से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु उनके दिए गए मंत्र का पाठ भर करता हूँ मैं। ओ, तो आपको ये भी ज्ञात नहीं कि जिस बल का बखान आप कर रहे हैं वो माता आदिशक्ति के गायत्री माता के स्वरूप के आशीष का ही परिणाम है, जो आपको उनकी उपासना से प्राप्त हुआ है। और मुझे तो गायत्री माता स्पष्ट दिखाई भी दे रही है, हाँ, आपको आशीष देते हुए। कहाँ कहाँ है गायत्री माता? यहाँ तो कोई नहीं है गजमुख बालक, मुझे पुनः मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता के मंत्र के जाप से आपके अंतर में ज्ञान का प्रकाश अवश्य जागृत हुआ है सुरजी, किंतु आपके नेत्रों पर छाई अहंकार की काली छाया अभी भी आपकी दृष्टि बाधित कर रही है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। गणेश जी माता गायत्री का मंत्र जाप कर रहे हैं, कदाचित इसीलिए वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति को स्वयं में ग्रहण कर पा रहे हैं। इसी मंत्र का जाप करते हैं ना आप असुर जी? वैदिक मंत्रों में सर्वोच्च है जिसका स्थान, सर्वाधिक है जिसकी महिमा, और जब भी आप इसका पाठ करते हैं तो आप ज्ञान के प्रकाश को पाने के सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं। ये कैसा दोहरा आचरण है आपका असुर जी? जिन माता आदि शक्ति का विरोध कर उनसे युद्ध करने की आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर उनसे बल प्राप्त करते हैं। भले ही दम्भवश उनकी शक्ति की सत्ता को तो आप स्वीकार नहीं करते, किंतु अवश्य ही भीतर उनको स्वयं से श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा भी करते हैं आप। कैसा परिहास है ये तुम्हारा बालक? किंतु यही अर्थ है इस मंत्र का, तो आज से रोक दूंगा इस जाप को। सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं, मुझे किसी की कोई उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी ज्ञात नहीं इस मूर्ख असुर को कि मंत्र के जाप से प्राप्त संपूर्ण शक्ति
भक्त की जापमाला में ही संचित होती है। जिस माला को सदैव अपने कंठ में धारण करना चाहिए था इसे, उसे ही छिन्न भिन्न कर दिया इस दुष्ट ने, और अपने जाप से संचित शक्तियों को, उसके प्रभाव को क्षण भर में खो दिया इसने सब कुछ। अब तक जो भी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति इसे प्राप्त थी, वो मंत्र जाप की माला तोड़कर खो दी इसने। इतना तुच्छ और लघु होकर भी मेरे बल पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? अब तुम्हें अपना आहार बनाकर अपने सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण दूंगा तुम्हें, और ये निरीह अशक्त देवता मुझे तुम्हारा आखेट कर देख कर विलख कर रह जाने के लिए विवश होंगे। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की शक्ति। छोड़ दो मुझे गजमुख, छोड़ो मुझे। लो छोड़ दिया। चलिए मूषक जी, जिस कार्य के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है हमने। इस दुष्ट की गायत्री माता की उपासना भंग करवा दी हमने। देवगणों, कुछ समय के लिए धीरज रखिए, माता स्वयं आकर आप सबको अवश्य रक्षित करेंगी। प्रस्थान कहाँ कर रहे हो गजमुख बालक? अभी ये क्रीड़ा शेष है, क्योंकि एक मच्छर अगर सिंह को डंक मारने में सफल हो जाए तो वो सिंह नहीं हो जाता। मैंने तुम्हें कम आंकने की भूल अवश्य की थी, किंतु तुम्हें अरुणासुर की वास्तविक शक्ति का परिचय अब ज्ञात होगा। मेरे मार्ग से असुर जी, आपसे युद्ध करने नहीं आया मैं, क्योंकि जिस युद्ध के लिए आप इतने तत्पर हैं, वही आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। वो युद्ध निकट भविष्य में अवश्य होगा, किंतु अभी मुझे रोकने का कोई लाभ नहीं। मुझे जाने का मार्ग दीजिए। अच्छा, जाना चाहते हो यहाँ से? तो प्रयास करके देख लो। तुम्हारा भाग्य यहाँ तुम्हारी मृत्यु के लिए लेके आया है, जो मेरे द्वारा नियत है। तो जाओ। यदि गणेश जी आगे बढ़े तो वो संकट में आ जाएंगे। यहाँ से बाहर जाने वाले मार्ग में तो इस असुर ने भयंकर जाल बिछा रखे, हमें कैसे भी गणेश जी को सावधान करना होगा। थल और आकाश दोनों मार्ग से भीषण लावे का संकट है। गणेश जी ये तुच्छ देवता कितना भी प्रयास कर लें, किंतु ये तुच्छ गजमुख को सावधान नहीं कर सकेंगे। ये मूर्ख असुर कर क्या रहा है? अरे ये तो हमारे ही स्वर को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ से लौटने के पूर्व यदि मैं देवताओं को मुक्त करा सकता तो और अच्छा होता, किंतु यदि माँ ने मुझे इसका आदेश नहीं दिया था तो इसका यही अर्थ है कि ये शुभ कार्य उनके द्वारा ही होगा। वो स्वयं इस दुष्ट का वध कर देवताओं को मुक्त कराएंगी,
इस प्रकार नहीं तो उस प्रकार ही सही, किंतु अंत तो तुम्हारा आज ही होकर रहेगा तुच्छ गजमुख। आकार ही कितना है तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी मृत्यु के लिए उबलते लावा का चुनावरण करो अथवा धधकती अग्नि का। दोनों ही क्षण भर में तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी को वहां से लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है माता? अवश्य लौटने का पुत्र गणेश, और जो वचन दिया है उसने उसे पूर्ण भी करेगा। माँ को गणेश पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मैं अपनी चिंता कैसे शांत करूं? कदाचित मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि कहीं अनुज गणेश किसी कठिनाई में तो नहीं। वाक युद्ध करते करते कहीं वहां वास्तविक युद्ध तो आरंभ नहीं हो गया? अब कुछ ही पल शेष है इस तुच्छ गजमुख के जीवन के। एक पग और भरो गजमुख, तब मुझे आनंद आएगा। रुक जाइए मुशा जी। तो क्या हुआ प्रभु? यहाँ इस दुष्ट का बिछाया हुआ भयंकर जाल है, जो हमारे इन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमारे लिए घोर संकट उत्पन्न करेगा। ये दृश्य तो मैंने आते समय ही देखा था। इसे तो ज्ञात हो गया कि इसका बाहर जाना यहाँ से तो असंभव है। तो अब जब उसे ज्ञात हो ही चुका है कि कैसे उसके साथ मैं एक मस्तिष्क परीक्षण क्रीड़ा करने वाला हूँ, अब तुम्हारे समक्ष दो ही मार्ग हैं। प्रथम, मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु स्वीकार करो, अथवा यहाँ से जाने की चेष्टा करो। किंतु स्मरण रखना, यदि तुमने थल मार्ग से जाने का प्रयास किया तो उबलता हुआ लावा तुम्हें पिघला देगा, और आकाश मार्ग से जाने का प्रयास किया तो धधकती हुई ज्वाला से झुलसकर नष्ट हो जाओगे तुम। तुम्हारे जैसे छोटे गजमुख को यहाँ आने से पूर्व अनेक बार विचार करना चाहिए था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, आप मुझे तुच्छ पुकार कर मुझे स्वयं से निम्न प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने विशाल काय आकार को लेकर इतना अहंकार क्यों है आपको? आकार ही किसी के सामर्थ्य का सूचक क्यों है आपके लिए? उचित कहा प्रभु। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ स्थिति में आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवश्य हो जाता है। जैसे इस समय मेरे नहीं, तुम्हारे इस साम्राज्य के लिए। अरे, ये तुच्छ छोटा सा गजमुख बालक इतना विशाल काय कैसे हो गया? ओम गजाननम भूता गणाधि सेवितम। प्रभु, इसके बाहर के प्रभाव से ये स्थल भी विभक्त हो गया, जिसके कारण मेरा भवन नष्ट हो रहा है। अंततः गणेश जी ने इस दुष्ट को अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय दे ही दिया। मेरे विचार से आज हम दोनों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि हमें अपने शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अरे तुच्छ देवताओं,
तुम कहां मक्षिकाओं के समान उड़े जा रहे हो? तुम्हें तो कीट पतंगों के समान अपने पैरों में दबा के रखूंगा। मोरखसुर, जिनके पुत्र ने तुम्हारी ऐसी अवस्था की है, जब वो स्वयं यहां पधारेंगी तो तुम्हारी कैसी दुर्दशा करेगी, ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा। ये सब क्या है गणेश? यहां क्या करने आए थे तुम, और ये सब क्या कर दिया तुमने? शक्ति प्रदर्शन में देखो कितना विनाश कर दिया है तुमने, और माँ को दिया हुआ वचन, जिस कार्य के लिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा था वो पूर्ण किया ना तुमने। क्या उस असुर के वध का उपाय ज्ञात कर सके तुम? उत्तर दो गणेश। नहीं भैया, किंतु उस दुष्ट को एक उचित पाठ पढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी, वो मेरी युक्ति में नहीं उलझा। किंतु आप चिंता ना करें, मैं वो भी अवश्य ज्ञात कर लूंगा भैया। किंतु आप उसकी मृत्यु के कारण को कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये मेरी समझ के बाहर है गणेश। मुझे खेद है भैया, मैं अरुणासुर को प्राप्त हुए उसके गुप्त वरदान के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं कर सका, मैं मेरी युक्ति में सफल नहीं हो सका। किंतु आप उसकी मृत्यु के कारण को कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये मेरी समझ के बाहर है गणेश। जब ब्रह्मदेव ने उसे वो वरदान प्रदान किया तो उस समय उन दोनों के अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था, तो उन दोनों के अतिरिक्त और किसे ज्ञात हो सकता है ये रहस्य? अब हम स्वयं तो अतीत में जाकर वो संवाद सुन नहीं सकते ना गणेश। अब क्या हुआ गणेश, अचानक तुम्हारे मुख पर ये आशा की किरण का क्या कारण है? इस गुत्थी को सुलझाने का उपाय मेरे मन में कौंध गया है भैया। भैया मुझे उनका परिचय ज्ञात है, जिनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। मैं कुछ समझा नहीं गणेश, कौन है वो? समय अर्थात काल। काल को सब ज्ञात है, अर्थात माता कालरात्रि को सब ज्ञात है भैया। बीते समय में जाकर उस रहस्य को उद्घाटित करने में वो हमारी सहायता करेंगी। देखा मेरा प्रभाव गणेश, मेरा आगमन होते ही तुम्हें इतनी जटिल समस्या का समाधान भी प्राप्त हो गया। किंतु इस जटिल समस्या का समाधान तो मेरी बुद्धि में ही उत्पन्न हुआ ना? हाँ, किंतु है तो ये मेरा ही प्रभाव ना? देखा देखा आपने मूषक जी, कैसे मेरी बुद्धिमानी का श्रेय भी भैया ने स्वयं अपने पर ले लिया। किंतु प्रभु, ये भी तो हो सकता है यह मुझ बुद्धिमान की उपस्थिति के कारण आपको ये विचार आया हो। ओह मूषक जी, आप भी ना। ये तो बिल्कुल उचित कहा आपने मूषक जी। धन्यवाद कार्तिकी जी, धन्यवाद। गणेश, हास परिहास में हमारा समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। अब समाधान तो सूझ गया है, किंतु माता काल रात्रि को समय में पीछे जाकर हमें सब बताने के लिए कैसे मनाओगे? क्योंकि दुर्गमासुर से भेंट होने के पश्चात से ही वो तो अत्यंत क्रोधित हैं। दुष्टों को समझाना नहीं, उनका संहार करना है मेरा स्वभाव, इसीलिए मुझे उसका संहार करने भेजना चाहिए था आपको। किसी भी विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनोहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। किंतु गणेश, बहुत भयंकर होता है उनका क्रोध, उन्हें मनाना इतना सरल नहीं है। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। हाँ ये तो सत्य है गणेश, जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है, और थोड़े से मनोहार से भी वो शांत हो जाते हैं।
तो माता काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी यह युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। हाँ, किंतु हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? श्रद्धा और निष्ठा से उनका आवाहन कर। किया मेरा माता, मेरी विकट समस्या आप ही समझ सकती हैं और उसका समाधान भी आप ही मुझे बता सकती हैं। क्योंकि जो पूर्व में अवस्था आपकी थी वही अवस्था अब मेरी है, इसलिए मैंने आपका आवाहन किया है माता। क्योंकि माता, जिस प्रकार माँ ने आपको दुर्गमासुर को समझाने के लिए भेजा था, वैसे ही मैं भी माँ के आदेश से अरुणासुर के पास जाने के लिए विवश हुआ। और फिर? किंतु माता, यदि कोई दुष्ट अहंकारी कुछ समझना ही ना चाहे तो उसे भला कोई कैसे समझा सकता है? जैसे आप दुर्गमासुर को समझाने में असफल हुई, उसी प्रकार अरुणासुर की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने में मुझे भी असफलता का सामना करना पड़ा माता। किंतु अब आप ही बताइए ना माता, यदि शीघ्र ही ऐसे दुष्टों का अंत नहीं किया गया तो वे इसी प्रकार पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे और पृथ्वी देवी उनके पापों का भार सहने के लिए विवश होती रहेंगी। इसीलिए तो मैंने अपना मत व्यक्त किया था कि इन दुष्टों को अभी इसी क्षण नष्ट कर देना चाहिए। हाँ माता, मेरा भी मत आपके ही समान है और आप तो उसी समय उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर सकती थी। किंतु मैं चाहता भी तो अरुणासुर का वध करने में अक्षम रहता माता। क्यों, ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम्हें अक्षम्य बनाती है? यही माता कि अरुणासुर का मुझे क्या, किसी को उसके वध का उपाय ज्ञात नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान और उस वरदान को गुप्त रहने का वचन दोनों ही प्राप्त है उस दुष्ट को, इसलिए जो रहस्य ब्रह्मदेव उजागर नहीं कर सकते वो मैं स्वयं ज्ञात करने गया था माता, किंतु असफल हो गया और अब प्रथम बार माँ के आदेश का पालन करने में असफल होकर लौटना होगा मुझे।
किंतु अपना ये असफल लज्जित मुख कैसे दिखाऊंगा माँ को मैं? मेरी असफलता से तो उन्हें बहुत दुख होगा ना माता, और वो तो यही कहेंगी ना माता कि पुत्र तुम अरुणासुर के वध के रहस्य को उजागर नहीं कर सके, तो उसका वध कैसे करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, तुम निश्चिंत रहो, अरुणासुर का भेद मैं तुम्हें बताऊंगी। कहा था ना भैया कि सरलता से माता को मनुहार से मना लूंगा मैं। चतुर गणेशा, तुम्हें निराश होकर नहीं लौटने दूंगी मैं। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर अतीत का वो दृश्य उत्पन्न करूंगी जब अरुणासुर को वो वरदान प्राप्त हुआ था। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशां कुशेश्वा सशरासिपाणां शूलं कपालं ददतिं कराब्जय रक्तां। भैया मैंने कहा था ना किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद। अरे माता यहाँ क्यों रुक गई आप? ये तो वो दृश्य नहीं है जो हमें देखना है। आप अभी उचित दृश्य पर नहीं पहुँची हैं। विलंब मत करिए ना माता, समय चक्र को थोड़ा और घुमाइए ना। आपको स्मरण है ना, हमें तो वो दृश्य देखना है जिसमें ब्रह्मदेव ने अरुणासुर को वरदान दिया था। हाँ माता। उचित कहते हो तुम, इसमें तो तुम और कुमार कार्तिक ही है। किंतु हम समय के इस बिंदु पर रुक ही गए तो मुझे तुम्हारा वार्तालाप सुनने का मन हो रहा। विकट परिस्थिति को सुलझाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होता है, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। माता के क्रोध की कटुता अपने मीठे मीठे वचनों की मिश्री से मिटा दूंगा मैं। उनका ऐसा मनुहार करूंगा मैं कि वो अवश्य मान जाएंगी भैया। अरे आप देखते जाइए ना भैया, कितनी सरलता से मनाता हूँ मैं उन्हें। ऐसी प्रशंसा करूंगा उनकी मैं कि वो मुझसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन अवश्य देंगी। जो अत्यधिक क्रोध करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है। तो माता काल रात्रि को मनाने की तुम्हारी यह युक्ति कदाचित सर्वथा उचित है। इतना दुस्साहस कि तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैंने तो ये शब्द बस भैया को समझाने के लिए बोले थे, और वास्तव में तो भैया ने ही मुझे ये शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया था। नहीं माता, मैंने तो मात्र इसकी बात स्वीकार की है। ये भूल इसी की है माता, मेरे लिए आपका दोषी यही है। तुम दोनों बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को, किंतु स्मरण रखो तुम दोनों की माता हूं मैं, और भली भांति समझती हूं मैं तुम दोनों की चतुराई को। तो माता आप मुझसे रुष्ट नहीं है, और
और आप हमें अतीत के उस पल में भी ले जाएंगी ना? हाँ पुत्र, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति में जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे समान जो भी मेरे स्तोत्र का उच्चारण करेगा और उसकी अंतिम पंक्तियों को 3 बार दोहराएगा, मैं उसकी सभी भूलों को क्षमा कर उसकी सहायता के लिए सदा प्रस्तुत होंगी। काल माता कली दर्पणी तम दिश गोपान्विता काम बीज जपांदा कम बीज सरूपिणी तुम दिखनी बुली देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय 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 नमः। अरुणासुर, उठो अरुणासुर, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं अपना तप आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। और यह भी स्पष्ट करता हूं प्रभु कि मुझे अपने तप और भक्ति के फल स्वरूप अमृत का वरदान चाहिए। अरुणासुर, मैं तुम्हारे इस घोर तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु अमृत प्रदान करने में मैं असमर्थ हूं। प्रभु, इस तप की दीर्घ अवधि में अनेक कष्ट सहे हैं मैंने। प्रथम सहस्त्र 10 वर्ष मात्र वायु और सूखे पत्ते को ही आहार बनाया मैंने, और फिर 10 सहस्त्र वर्ष मैंने जल की बूंदों का ही पान किया प्रभु, और अंतिम 10 वर्ष मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया प्रभु। और आप कह रहे हैं मुझे आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते, तो फिर क्या लाभ हुआ इतने कठोर तप का प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए फिर क्या लाभ हुआ? अरुणासुर, मैं भी शक्ति के नियमों से बंधा हूं, और मृत्यु सृष्टि का अंतिम अटल सत्य है। अमृत तो मैं तो क्या तुम्हें कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, तुम ये चुनाव अवश्य कर सकते हो कि किसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है और किसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु संभव हो सकती है। ये वरदान मैं अवश्य दे सकता हूँ। अच्छा, यदि आप अपने भक्त के लिए इतना ही कर सकते हैं तो फिर यही उचित है। किंतु मेरी एक अवस्था है, वचन दीजिए मुझे कि आप मेरे वरदान को गुप्त रखेंगे, उसका रहस्य किसी भी परिस्थिति में किसी के समक्ष उजागर नहीं करेंगे। अपने कठोर तप से तुमने अधिकार प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे वरदान के विषय में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा वध कोई देवता, असुर, स्त्री, किन्नर
पशु, यक्ष, नाग, गंधर्व द्वारा संभव न हो सके। ऐसा कोई जीव भी मेरा संहार न कर सके जिसके दो अथवा चार पांव हो। यदि मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र छह पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। छह पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना पुत्र, क्या वरदान प्राप्त किया है उस दुष्ट असुर ने। हाँ माता, उस दुष्ट ने बहुत चतुराई का प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि वो गिरगिट होने के कारण अपनी जिह्वा से किसी भी कीट को अपना आहार बना सकता है। और उसने रानी कीट को इसीलिए चुना क्योंकि वो यदा कदा ही गतिशील होती है। किंतु ऐसा कौन सा कीट है जिसके छह पांव होते हैं और जो ब्रह्मनाद की ध्वनि उत्पन्न करता हो? भ्रमर है वो कीट। तो वो दुष्ट ने एक रानी भ्रमरी के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। किंतु एक नन्ही सी भ्रमरी एक विशालकाय असुर का अंत कैसे कर सकती है? और वो भी एक ऐसे असुर को एक भ्रमरी कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती है जो भांति भांति के कीटों को अपना आहार बनाकर ही अपना उदर भरता हो, जो अपनी जीभा मात्र से ही किसी भी कीट का अंत कर देता हो। भैया, ये किसी साधारण भ्रमरी के लिए कहाँ संभव है? उसके संहार के लिए तो स्वयं माँ को ही भ्रमरों की रानी भ्रमरी का रूप धारण करना होगा। कितनी अद्भुत और अपूर्व होगी ये घटना, जिसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा मैं। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तो तुम्हें उस दुष्ट के वध करने का उपाय ज्ञात हो गया है, अब क्यों चिंतित हो तुम? माता, मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि संपूर्ण सृष्टि जिनकी पूजा करती है, समस्त देवियाँ जिनकी सेवा कर स्वयं को धन्य समझ रही थी, स्वयं त्रिदेव जिनकी आरती कर रहे थे, वो जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि की सर्वे सर्वा है, जिनके कारण ये अंतरिक्ष और ग्रह है, और जो सभी लोकों के उत्पत्ति के कारण भी है, उन देवी माता आदि शक्ति से एक छोटी सी प्राणी एक लघु भ्रमरी का रूप धारण करने के लिए कैसे अनुरोध करेंगे? अधर्मी अपने बचाव के लिए कोई भी युक्ति लगा ले, किंतु ईश्वर उसके पतन का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही चुनकर रखते हैं।